हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बैक नेक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने कट किया है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेके ही ये डिजाइन बना सकते हैं। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से फिथ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ऐसा हमें चौकून बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देते हैं हल्के हाथों से। हमने नेक का शेप दे दिया है। अब पेपर पेस्टिंग लेते हुए नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर से बराबर से पेपर पेस्टिंग रखते हुए पूरे नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए बाहर की लाइन भी दे देती है और उसको हम कट कर लेंगे। बाहर की लाइन मैंने कट कर ली है। अब अंदर की भी लाइन हम कट कर लेंगे और एक फैब्रिक रखते हुए उसके ऊपर हमें अटैच कर लेना है नेक को। आप चाहे तो प्रेस से भी कर सकते हैं, मैं सिलाई से ही अटैच कर रही हूँ। और साइड से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई कर लेंगे। पूरी सिलाई हमें कर लेनी है फैब्रिक को अंदर करते हुए। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक के राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे वेस्ट में कमर के साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये सिलाई अटैच करनी है। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब उसको कंप्लीट करते हुए उसको पूरा पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है। अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच करने के लिए पूरे फैब्रिक को राउंड में सिलाई कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। पूरा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब इसको हम अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं बचे हुए फैब्रिक को। अब हमें नेक अटैच कर लेना है। नेक अटैच करने के लिए हमें उसको पलटाते हुए मेन फैब्रिक के सेंटर लाइन दे देनी है ताकि हमारा नेक उधर उधर ना जाए। इसके लिए हमें सेंटर से एक लाइन कर लेंगे और उसके बराबर से हमें एक नेक अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें नेक अटैच कर लेना है ताकि पलटाने के बाद वो रॉन्ग साइड चला जाता है। और पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें सिलाई कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को अटैच कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा नेक पलटने के लिए आसानी हो जाए, सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। अब पूरे नेक को पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो उसको प्रेस से भी बराबर बिठा सकते हैं, मैं एक रफ स्टिच ही लगा रही हूँ। पूरे नेक को हमें रफ स्टिच लगा लेनी है। अब एक छोटा फैब्रिक लेते हुए हमें उसकी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है नेक को अटैच करने के लिए। 2 इंच की पूरी पट्टियाँ हमें अटैच कट कर लेनी। 2 इंच की पट्टियाँ मैंने कट कर ली है। अब इसको हम नेक पर लगाते हुए 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए पूरे नेक को हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। पूरे नेक को मेरी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब फ्रिल के लिए हमें एक फैब्रिक लेना है। देखिए पूरी अटैच हो चुकी है। फ्रिल के लिए मैंने 4 इंच विथ में 4 इंच और लेंथ में 3 मीटर का फैब्रिक लिया है और उसको हम सेंटर से फोल्ड करते हुए पूरे फैब्रिक को हम सिलाई कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को हमें सिलाई कर लेनी है बराबर से और उसकी हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें फ्रिल रेडी करनी है। देखिए पूरी फ्रिल मेरी रेडी हो चुकी है। फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें नेक के ऊपर लगाते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे।
नेक के ऊपर बराबर से हमें लगानी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये फ्रिल लगानी है। अब इस पर हमें एक लेस अटैच करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब लेस के दूसरे साइड पे भी हमें सिलाई कर लेनी है ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाए। देखिए मेरी लेस अटैच हो चुकी है। अब हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें फ्रिल के ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। देखिए मेरी फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम गोल्डन मनी लगाते हुए एक नया लुक दे देंगे। देखिए बहुत आसान है ये डिज़ाइन बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी दिखती है पहनने के बाद। देखिए इसी तरह से हमें ये फ्रिल को फोल्ड करते हुए पूरे फ्रिल में हमें गोल्डन मणि लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरे राउंड में हमें ऐसे ही फ्रिल को फोल्ड करते हुए गोल्डन मणि लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी लगती है ये डिज़ाइन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरी डिज़ाइन रेडी हो चुके है। अब हमें जो हमने हुक्स बनाए थे, लूप्स बनाए थे, उसके अंदर हमें एक गोल्डन लेस डालते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरे लूप्स में हमें गोल्डन लेस डालते हुए उसको बाहर की तरफ निकालते हुए उसको कट कर लेंगे बची हुई लेस को। अब सेंटर से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। एक इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये प्लेट्स दे देनी है बैक पार्ट की। अब सेंटर के लिए हमें एक फ्लावर्स तैयार करना है। नीचे भी मैं एक लेस लगा रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं लगाई तो भी चलती है। अब सेंटर में हमें लटकन तैयार कर लेने हैं। लटकन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 इंच का, ऐसा दो चौकोन बॉक्स लिए हैं। अब उसको हम सेंटर से राउंड यानी कट कर लेते हैं और उसको हम लटकन के लिए रेडी कर लेते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को जॉइन करते हुए लटकन तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम एक छोटी लेस लेते हुए, 5 इंच की लेस लेते हुए उसको हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। दोनों साइड से हमें लटकन अटैच कर लेंगे। अब उसको सेंटर में लगाते हैं और सेंटर में हमें एक फ्लावर के लिए एक पट्टियाँ रेडी करनी है और इसको फोल्ड करते हुए ऐसे हमें फ्लावर रेडी करना है और उसको सुई धागे से अटैच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। फ्लावर्स को सुई धागे से बराबर से स्टिच कर लेंगे। देखिए मेरा फ्लावर भी रेडी हो चुका है। अब इसको हम सेंटर से लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। जो डिजाइन हमने बनाई थी उसको सेंटर से ये फ्लावर लगाएंगे, सुई धागे से बराबर से स्टिच करिएगा ताकि हमारा फैब्रिक बाद में निकलना नहीं चाहिए। और उसको हम लटकन अटैच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।